नमस्कार दोस्तों, मैं फूड सूट से। आप सब कैसे हैं? बारिश का मौसम आ गया है और ये बारिश के मौसम में ही टेस्टी लगते हैं, तो हम जल्दी से कोई मीठा बनाने का मन करें और बारिश में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो सबसे पहले हम उसी को बना लेते हैं। तो हम आज मीठा चीला बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए आइए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने गेहूं का आटा ले रखा है, ये मैंने पीसे शक्कर ले ली है। इसमें हमें घी की आवश्यकता पड़ेगी। यह हमने पीसी इलायची ले ली है और ये हमने ड्राई फ्रूट को हमने हल्का बारीक दरदरा पीस लिया है और हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ इनको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक कटोरी आटा ले लिया है। ये दोस्तों आटा, यहाँ हमने आटा ले लिया है। इसमें आप अपने हिसाब से, आप जिस हिसाब से मीठा पसंद करते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा ले लें, कम तो कम, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और इसमें जब मीठे चीले बना रहे हैं तो इसमें हमें मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम मैंने यहाँ 2 चम्मच शक्कर ले रखी है, यह मैंने इलायची पीस कर रखी वो मैं मिक्स कर ली है, यह हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे हैं वो भी इसमें मिक्स कर ले रहे हैं। तो दोस्तों दोस्तों यहाँ मैंने फ्राई पैन रख दिया है, ये हमने गैस ऑन करके ये तवा रख दिया है। कोई भी चीज़ अगर दोस्तों हम मीठी बनाते हैं तो वो शुद्ध घी में ही अच्छी लगती है, तेल में उसका स्वाद नहीं आता है। तो हम यहाँ शुद्ध घी ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा शुद्ध घी यूज़ करेंगे। गैस बिल्कुल स्लो कर दी है मैंने। दोस्तों ये हमने ये ले लिया है, अब इसको हम फैला देंगे। दोस्तों बहुत आसानी से धीरे धीरे स्लो स्लो करके आप सब दूर फैलाएंगे तो ही फैलेगा, क्योंकि ये मीठा होता है इसलिए ज़्यादा फैलता नहीं है। इसलिए ये देखिए दोस्तों, अब इसे हम इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं वो भी अच्छे से सिक जाएंगे, कुरकुरे हो जाएंगे। तो यहाँ
मीडियम आंच में ही सेकेंगे। दोस्तों इसे भी हम इस साइड से एक बार और देख लेंगे कैसा हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं। और दोस्तों बारिश में इसका आनंद बहुत ही आता है और ये चीज़ें बारिश में ही खाई जाती हैं, तब एक बार ज़रूर बना के देखें, बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ है। तो दोस्तों इसे अच्छे से सेकें और गरम गरम ही इसे खाएं। दोस्तों ये मीठा है तो ये गर्म ही अच्छा लगेगा, ठंडा अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों ऐसे ही हमें सारी चीले बना लेने हैं लेकिन गर्म गर्म ही सर्व करना है। तो दोस्तों ये हमारा चीला तैयार है। दोस्तों मैं आपको एक और चीला बना के दिखाती हूँ। ये दोस्तों घी लगा दिया मैंने, और दोस्तों ऐसे ही हम सारी चीले बनाएंगे। इसके ऊपर अच्छा सा दोस्तों इसे अच्छे से सेकेंगे। मीठा चीला थोड़ा सा ऐसा ही बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है, ये छोटे छोटे ही बनते हैं। एक बार ज़रूर बनाइए दोस्तों। दोस्तों ये चीले तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने हैं, आप ज़रूर बना के देखें, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसे गर्म गर्म बारिश के मौसम में ज़रूर बना के देखें। थैंक यू।